हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। आज मेरे पास आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अगर आप Redmi Note 7 Pro या Redmi Note 5 Pro के यूज़र्स हैं और लेटेस्ट MIUI 10 Pi रन कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग वाईफाई और हॉटस्पॉट जो था एक साथ यूज़ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसको डिसेबल कर दिया गया था। बट अब आप एक सिंपल सी zip फाइल के थ्रू जो है दोनों को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारे Redmi Note 7 Pro में वाईफाई और हॉटस्पॉट जो है दोनों इनेबल हैं लेफ्ट साइड के फ़ोन में, और सेकंड जो हमारा दूसरा फ़ोन है Redmi Note 5 Pro, उसके अंदर भी आप देख पा रहे होंगे हमारा वाईफाई और हॉटस्पॉट जो है, ये देखिए मैं हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ जो कि परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ पे लिखा है टचिंग और हॉटस्पॉट एक्टिव, और उसी तरीके से आपको ये Redmi Note 7 Pro के अंदर भी काम करता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, टचिंग और हॉटस्पॉट एक्टिव। तो क्या है सिंपल सी ट्रिक? सिंपल सी ट्रिक ये है कि आपको कस्टम रिकवरी चाहिए और एक zip फाइल को फ्लैश करना है, जो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो अभी हम जो है दोनों फोन्स में एक ही फाइल काम करेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको सिंपली उस फाइल को फ्लैश कर लेना है। तो मैं आपको Redmi Note 5 Pro के अंदर वो इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ कौन सी वो फाइल है। फाइल मैनेजर में जाके, ये देखिए हम फाइल मैनेजर में जाते हैं, एक्सेप्ट। तो ये देखिए ये वो फाइल है पैच वाईफाई NA9zip। आपको इस फाइल को सेव कर लेना है और उसके बाद कस्टम TWRP रिकवरी में बूट करना है। तो हम अबाउट फोन में जाके सिस्टम अपडेट से जाके चूज रिकवरी मोड यहाँ से कर लेते हैं, रीबूट टू रिकवरी मोड। अब जो है हमारा फोन जो है कस्टम रिकवरी मोड पे बूट करेगा। जैसे आपका फोन कस्टम TWRP कोई भी रिकवरी आप यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली मैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यूज़ करता हूँ, तो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के थ्रू जो है आप उस फाइल को एक बार फ्लैश कर लेंगे, और उसके बाद जो वाईफाई और हॉटस्पॉट जो आपका एक साथ एक्टिवेट नहीं होता था, एक टाइम पे एक ही चीज़ काम करती थी, तो अब वो दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट हो देंगे। तो ये देखिए हमारा फोन जो है ऑरेंज फॉक्स कस्टम रिकवरी पे बूट कर चुका है। और सिंपली आपको क्या करना है, फाइल सेक्शन में जाना है और उस फाइल को सर्च करके उसको अपने फोन के अंदर एक बार फ्लैश कर लेना, जो कि मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना है। तो ये देखिए फाइल में हो जाते हैं, ये हमारी पैच वाईफाई फाइल जो है उसको सिलेक्ट किया, स्वाइप टू इंस्टॉल, जस्ट बस 5 सेकंड के अंदर ये फाइल इंस्टॉल हो जाती है। ये देखिए फाइल जो है इंस्टॉल, रीबूट सिस्टम, दैट्स इट। और इस तरीके से अब आप जो है वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों परफेक्टली अपने फोन के अंदर यूज कर पाएंगे। मैं फिर से दिखाता हूं, ये देखिए हमारा वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों परफेक्टली एक साथ काम कर रहे हैं, और यहां पे लिखा भी है टचिंग और हॉटस्पॉट एक्टिव इन दिस डिवाइस। तो इस तरीके से आप इस छोटी से सिंपल के ट्रिक से आप जो इशू फेस कर रहे थे हॉटस्पॉट और वाईफाई का, उसको फिक्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देगा, ताकि आगे चल के आपको सभी वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।